फगवाड़ा विखे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया ते लगाए बूटे। हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब वालों की पहल। फगवाड़ा शहर विखे हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब फगवाड़ा वालों वर्ल्ड एनवायरमेंट डे उत्ते अज सिविल हस्पताल फगवाड़ा विखे बूटे लगाए गए। इस दौरान गलबात करदिया होया आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज सरदार जोगिंदर सिंह मान ने कहा कि सानू कुदरत वालों बहुत ही अणमुलियां बख्शिशा मिलिया ने, जिन्हां विच मिट्टी पानी हवा मौजूद ने, ते साडा फर्ज बनता है कि इन्हां नू संभाल के रख्या जावे ते सारी धरती नू हरिया भरिया बनाया जावे। इस मौके ते जोगिंदर सिंह मान ने अपने हाथी बूटा लगा के फगवाड़ा वासियां नू धरती नू हरिया भरिया बनाउण लई प्रेरित भी कीता। भारतीय संस्कृति सब तो पुरानी संस्कृति है, जो जो असी उपर नू जावांगे, पूर्व वालों जावांगे, महापीर भक्त संत बहुत सारा इतिहास सानू गुरु नानक तो प्राप्त होंदा। तो उस तो पहले वैदिक काल प्राण सिमृतियाँ शास्त्र हमेशा जंगलों में रुखा दिया शामिल थले उन्होंने परमात्मा की बड़ी प्रेष्ट की। महात्मा बुद्ध जैन वो धर्म जो गुरु नानक तो पहलों आए हैं। महात्मा बुद्ध ने एक याद में पिपल दे रख थले उन्होंने ज्ञान प्राप्त होया। अज वातावरण दिवस के उत्ते ब्लड डोनेशन कैंप हिंदुस्तान ब्लड डोनेशन वेलफेयर सोसायटी ने वातावरण शुद्ध करने वास्ते पौद्या की जड़े लगाई उन्होंने शुरुआत की है। दास सेवा हाजिर होया डॉक्टर गंगोशी एस एम साहब, आम आदमी पार्टी के मेरे साथी और वेलफेयर सोसायटी के मैंबर साहबान ने अज इस वातावरण शुद्ध करने वास्ते पौद्या शुरुआत की है। मंगवाई 1469 के जो उन्होंने पानी की सिद्ध हुई है, पण गुरु पानी पिता माता तक महात पहला पानी जो है जिथे रहा सब कुछ बंदे की पैदाइश नरा ते माता तो पानी तो पैदा हुई है। जे असी पानी धरती ते हवा नूं अपलोड करांगे तो साडा जीवन जिहड़ा वो जीना औखा हो जाएगा। अज इस वातावरण दिवस के उत्ते आओ पर्ण करिए इस गल की प्रेरणा लिए। जे गुरु पीर फकीर अल्लाह औलिया नूं उस परमात्मा की प्राप्ति दरख्तों के थले एकांत में बह के दरख्त फरीदा साहब जी कर चाकरी दिल्ली लाए भरा दरवेशा नूं लोक रुखां दी तरह रुख नूं बट्टा मारो पत्थर मारो पत्ते देगा फल देगा फुल देगा लेकिन मुरु सी नहीं करेगा। साड़ लो अग बाल लो सेक लो रोटी पका लो होर साधन जो मर्जी प्राप्त करो कभी रुख ने एक दरवेश की तरह अपने आप को शांत शांत रखा। तो मैं समझा कि आओ इन सारिया सिख्यावान के अर्थ जो गुरुआ पीर फकीर ने सानू दिते है आप इस कन्वर्ट करिए वातावरण शुद्धता उत्ते। यूक्रेन की लड़ाई ने एक वातावरण पीता जो वॉरम है हिंदुस्तान का ज दुनिया का वॉरम गर्म होया वो साढ़े सामने आ। इस मौके गलबात करते हुए सिविल हस्पताल के SMO ने कहा कि जेकर वध तो वध रुख लगाए जाण तां धरती हेठला पानी बचाया जा सकता है। 5 जून जो विश्व वाटर दिवस का मतलब ये सारी दुनिया के मनाया जा रहा। अज इत्थे असी सिविल हस्पताल के कोल फगवाड़ा सिविल हस्पताल के कोल नाल लगते पार्क दे विच जो ये अपने हिंदुस्तान वेलफेयर डोनर क्लब वालों इहदा प्लांट ला रहे ने, ये असी इहदा बहुत धन्नवाद करते हैं। साडे जोगिंदर सिंह मान जी आम आदमी पार्टी हलका इंचार्ज वो इत्थे नाल उहदे पार्टी वर्कर ये सारे आए ने, असी इस चीज़ मैसेज उन्होंने दिता। जिदा ये अजक असी प्लांट तो लाने लाने मेडिसिनल प्लांट जिदा दवाइया वाले प्लांट क्योंकि सारिया दवाइया प्लांट्स तो ही बन दी तो जो लोगों मतलब प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट है छां भी देगा तो मेडिसन भी देगा। इस करके लोगों ने यह चीज़ प्रे फल वाले दवाइया वाले ये प्लांट लाने ये जी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैगी है ये असी लाइए ये कि लोगों को छां भी मिले तो अपने फल फल भी मिले तो दवाई भी तौर जी तुलसी आंवला आ आप सारिया चीज़ा जो लाने ये चीज़ा ला तो लोगों को इस चीज़ का नाल सेहत के नाल इनवायरमेंट वो दोनों ठीक रहन। इस मौके मौजूद हरजिंदर गोगना ने कहा कि हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब फगवाड़ा वालों बहुत ही शलाघाजोग कदम चुकया गया है। हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब असी जिथे खूनदान के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं उत्थे नाल ही
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਆ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫਗਵਾੜਾ।